अपनी मर्जी से कहां अपने सफर के हमने, अपनी मर्जी से कहां अपने सफर के हमने, रुख हवाओं का जिधर का है उधर के हमने, अपनी मर्जी से कहां अपने सफर के हमने। रोहित हाँ, तू सामान नीचे उतरवा, मैं अभी आता हूँ। ओके माँ, टिकट आपके पास है ना? हाँ। संभाल कर रखना जरा। हाँ। ये ले माँ। एक बार अगर शिवानी से मिल लेती तो, दो दिन हुए उसे देखा नहीं है, और उसे पता है भी या नहीं हम जा रहे हैं? उसे पता होगा माँ। नहीं होगा, अगर पता होता तो वो आती नहीं। शिवानी कहाँ जा रही? रोहित की माँ से मिलने, वो आज जा रही है। और जरा मुझे एक कप चाय तो बना के दे दो। भैया आप सैमसन से कह दो प्लीज। सैमसन और तुम्हारी भाभी घर पे नहीं, मैं 10 मिनट में वापस आकर बना देती हूँ। अरे मेरे सर में दर्द हो रही है, मेरे को दवाई खानी है, एक कप चाय बना दो पहले मेरे को। भैया वो चले ना जाए। नहीं जाएंगे। अरे अगर तुम उनसे इतना प्यार करती हो तो वो भी तो तुमसे प्यार करते होंगे ना, इंतजार करेंगे वो तुम्हारा। जो पहले चाय बना के दूंगे। इतना वक्त साथ रहा, आपके घर आया, आपके डिपार्टमेंट में ट्रांसफर करवाई, पर कभी हिम्मत ही नहीं कर सका कि आपसे सच कह सकूं। और आज जब मैं जा रहा हूं तो पता नहीं कैसे हिम्मत जुट गई है। गायत्री जी, मैं आपसे प्यार करता हूं, आप क्या कहना चाहती हैं या क्या सोचती हैं मेरे बारे में, ये जानने का वक्त ही नहीं है हमारे पास। शायद मेरी बुजदिली की वजह से, पर हम में से किसी एक का साफ हो जाना जरूरी था। अच्छा मैं अब चलता हूं, मेरा फोन नंबर और एड्रेस आपको ऑफिस से मिल जाएगा। अगर मन करे तो बता देना आप क्या कहना चाहेंगी, वरना मुझे इंतजार रहेगा। अंकल आंटी और दादी को मेरी नमस्ते कहिएगा और आशीष को प्यार। और हाँ, मैं अपनी एक अमानत यहां बंबई में छोड़े जा रहा हूं, जो मुझे जान से भी ज्यादा प्यारी है, रोहित। हो सके तो उसका ख्याल रखिएगा और देखिएगा कि उसे कोई तकलीफ ना पहुंचे। अच्छा कितनी चीनी डाली है तुमने शिवानी इसमें, दूसरा कप बना के दो। भैया आखिर आप चाहते क्या हो, आप साफ साफ क्यों नहीं कह देते? भैया अगर समझ गई हो तो समझ क्यों नहीं चाहती हो? एक मिनट, देखो अब तुमको जो मनमानी करनी है कर लो, मैं तुम्हें रोकूंगा क्योंकि अब मैंने भी फैसला कर लिया है और समय भी तय कर लिया। सब चल आ मां। अगर एक बार शिवानी से फोन पर ही बात हो जाती तो मैं क्या करूं मां? अगर वो तुमसे मिलने नहीं आई तो तुम ही फिजूल की बातें करती हो। अगर इतना मन करता है तुम्हारा तो जाओ उसके घर, करवा लो अपनी बेइज्जती।
रोहित क्या हो गया तुझे? सारा गुस्सा माँ पर क्यों निकाल रहा है तू? ऐसे बात करते हैं माँ से तो मैं क्या करूं? अजय सुबह से 10 बार कह चुकी है अगर शिवानी से मुलाकात हो जाती तो, अगर एक बार उससे मिल लेती तो, जबकि ये जानती है मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। अच्छा अच्छा गुस्सा मत, नहीं तो अपनी तबीयत खराब कर लेगा। और शिवानी से कह देना माँ को चिट्ठी लिख, इतना तो कर देगा ना? हम ढूंढू मैं उसे, कहां गया होगा वो? कभी कभी तो लगता है मेरी वजह से ही उसके साथ ये सब कुछ हो रहा है। ना ही मैं उसकी जिंदगी में आती और ना ही उस पर इतनी मुसीबतें आती। सही हो? मेरा घर है, छोटा है साहब, पर मेरा खुद का है। जितना दिन रहने का ना साहब उतना दिन रहो, एक ही शर्त है, अपना समझ के रहना पड़ेगा आपको। अभी आप इधर आए तो मेरे को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, वो नाइट लैंप आज रात को ला डालते हैं। आप लिखेगा लाइट चाहिए ना रात को, और फैन बहुत टेंशन है साहब। क्या है आप खड़खड़ आवाज करता है बहुत, आप लिखेगा सोचने का काम है, खड़खड़ आवाज डिस्टर्ब। तो मैं क्या है वो बॉल बेयरिंग उसका ठीक करके फिर एकदम ऑयलिंग वॉयलिंग डाल के ठीक करेगा। आप बैठो ना, बैठो, आप आराम से बैठो, मैं जरा बाकी का बंदोबस्त करके आता हूँ। साहब देखो मैं किसको लेके आया। शिवानी तुम यहाँ कैसे? इन्होंने फोन किया था गायत्री के घर। तूने कैसे? वो आपने मेरे को 2 नंबर दिया था ना पहला, मेरे को बोला था आपने जरूरत पड़े तो उधर फोन करने का, आप उधर शतरंज खेलने को जाते थे ना, वो टाइम मेरे को जरूरत नहीं पड़ा, आज पड़ा इसलिए मैंने फोन करके। आप पहली बार आए, आप बैठो, कुछ ठंडा फंडा लेके आता हूँ। माँ गई? उसने तुम्हारा काफी इंतजार किया। मैं पहुंची थी वहां मगर आप लोग निकल चुके थे। वो शायद तुम्हें कुछ देना चाहती थी मुझसे छुपा कर, मगर वो क्या था उसने मुझे आखिर तक नहीं बताया। मुझे चांदी का भगवान देना चाहती थी। हम दोनों ने तय किया था कि किसी को नहीं बताएंगे, अपने अपने भगवान एक दूसरे के पास छोड़ देंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। देना चाहती थी मगर नहीं दे पाई। गायत्री, ओ गायत्री, क्या ये सच है कि शिवानी की सगाई विजय के दोस्त के भाई के साथ तय हुई है?
तुझे पता नहीं कहाँ से पता चल जाती है कहानियाँ, और जिसकी सगाई तय हुई है उसी को पता नहीं। अरे सैमसन खुद आके मुझे बता के गया है। हाँ तुम भी बड़ी माँ। भाई अविनाश कह रहा है कि एंगेजमेंट से पहले शिवानी से अकेले में कुछ बातें करना चाहता है। मैंने कहा कर लो, खुद को तसल्ली कर लो। शादी का मामला है, बाद में कहीं कहता फिरे कि भैया कहाँ फंसवा दिया। बात करो और खुद ही फंसो पर खुरदार। तुम जानती हो शिवानी, हमारे बड़े हमारी शादियां कभी इंसानों से नहीं करते। हमारी शादियां तो उनके हालातों से होती है, उनके सामाजिक हालात, उनके पारिवारिक हालात, उनकी आर्थिक स्थिति। सच पूछो तो हमारे बड़े हमारे सुख दुख के साथ जुआ खेल जाते हैं। पर मैं इस खेल में दाव पर नहीं लगना चाहती रोहित। मैं तुम्हें लगने भी नहीं दूंगा शिवानी। शिवानी आज एक बात तुम मुझे खुलकर बता दो, तुम मेरे साथ अपनी बाकी की जिंदगी बिताना चाहती हो? आसान नहीं है शिवानी, अभी और भी मुश्किलें आनी बाकी हैं। मैं वक्त के साथ नहीं चल रहा, उसकी लहरों के खिलाफ तैर रहा हूं। बांटोगी ये सब मेरे साथ? ठीक है, तुम अपने घर से बाहर निकलो, हम दोनों शादी करेंगे और फिर तुम्हारे भैया को बताएंगे। है हिम्मत ये सब कुछ करने की, भाई को फैसला सुनाने की, घर छोड़ने की? मुझे तुम्हारे साथ ही रहना है रोहित। ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। यो सर। और साहब वैसे टेंशन वाले कुछ बात है नहीं यार। हाँ आप एक काम करो, 7-8 दिन के लिए पूना भाग जाओ, और जब 7-8 दिन के बाद पूना से आप आ जाएंगे ना तो सब मामला ठंडा हो जाएगा और सब लोग जो है ना वो भी शांत हो जाएंगे। मैं कह रहा हूँ आपको। मैंने एक बार कह दिया सब कह दिया, आप लोग कौन हो जाओ मेरी जिंदगी का इस तरह से फैसला करने वाले? क्या मैं गाय या बकरी हूँ कि जहाँ जब मन आया अच्छा सा ग्राहक देकर बेच दिया? मैं शादी करूंगी तो सिर्फ अपनी मर्जी से करूंगी और उसी से जिसे मैं चाहती हूँ। एक बात बोलो सर, मेरे को लगता है कि वो शिवानी मैडम नहीं है। तुझे कैसे पता? जैसे मेरे को गलत मत समझना साहब, पर भगवान करे सब ठीक हो जाएगा। कसर समझोगे अलग क्या रहता है ना मालूम है ना साहब, लड़की लोग रहते हैं ना उनके हिम्मत लास्ट तक एकदम मजबूत रहता है। फिर साहब घर में माँ बाप भाई बहन घर का इज्जत भी रहता है ना, ये सब देखे साहब उसका हिम्मत जो रहता है ना वो कमजोर पड़ जाता है। देखो ना भारत में 99% लव स्टोरी इसी कारण फ्लॉप। पर वो आएगी, वो जरूर आएगी। शिवानी ठहरो, शिवानी कहाँ जा रही? मैं पूछ रहा हूँ कहाँ जा रही हो? रोहित से शादी करने। Thank you.
शिवानी, आज के बाद अगर तूने रोहित का नाम भी लिया तो जो आज पूरा नहीं हुआ शायद वो पूरा हो जाएगा। शिवानी, मुझे माफ कर दो, मैं अच्छी तरह से जानता हूं मैं जो कुछ कर रहा हूं तुम्हारे लिए ज्यादती है। लेकिन शिवानी यही ज्यादती तुम्हारे लिए कल सुख बन जाएगी और फिर मेरे पास आके कहोगे भैया आपने जो किया अच्छा किया ठीक किया। शिवानी इस दुनिया में मैं सबसे ज्यादा प्यार तुमको करता हूं, सबसे ज्यादा। तुम्हें क्या लगता है तुम्हें दुखी देखकर मुझे कोई आराम मिलता है? बिल्कुल नहीं। तुम बहुत छोटी थी जब हमारी मां मर गई, तुम्हें तो याद भी नहीं होगा। लेकिन जब हमारे पिताजी मरे तुम उस समय 3 साल की थी और मैं 10वीं में पढ़ रहा था। हमारे पिताजी की अर्थी हमारे सामने पड़ी थी और तुम लोगों के पीछे छुप गई थी और बार बार गई थी भैया मुझे ढूंढो भैया मुझे ढूंढो। तुम उस समय खेल खेल रही थी। शिवानी जब हमारी मां मरी तो मैं तुम्हारी मां बन गया था। लेकिन जब हमारे पिताजी गुजर गए तो मैं खुद ब खुद तुम्हारा बाप बन गया। चांद को दिखाकर मैं तुम्हें खाना खिलाता था, तुम्हें नए नए कपड़े पहनाकर अपनी उंगली तुम्हारे हाथों में थमाकर तुम्हें गुहाने ले जाता था। ऐसे ऐसे करते मैंने तुम्हें इतना बड़ा कर दिया है और आज फिर तुम खेल खेल रहे हो मेरे साथ। लेकिन शिवानी तुम्हारा भाई अब खेल नहीं खेल सकता, टूट जाएगा तुम्हारा भाई अपने भाई को टूटने से बचा लो। मैंने जिंदगी में आज तक तुमसे कुछ नहीं मांगा और ना ही आज के बाद कुछ मांगूंगा। बस एक बार, सिर्फ एक बार अपने भाई की खातिर अविनाश के लिए हां कर दो, मेरी बहन हां कर दो प्लीज।
गर्व लगता है, पहले हर चीज थी अपनी मगर अब लगता है अपने ही घर में किसी दूसरे घर के हम अपने ही घर किसी दूसरे घर के हम रुख हवाओं का जिधर का है उधर के हम हैं अपनी मर्जी से कहाँ अपने सफर के